नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आप पार्टी के नेता राघव चड्ढा शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। दोनों की जोड़ी बेहद ही खूबसूरत लग रही है। दोनों अक्सर अपनी लव स्टोरी को छुपते छुपाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब फाइनली जाकर जिस तरीके से उनकी इंगेजमेंट हुई, इंगेजमेंट के बाद अब शादी की साफ तौर पर तैयारियां शुरू हो गई और कल 24 सितंबर को दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें, दोनों उदयपुर के द लीला पैलेस में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं और अपनी जिंदगी का एक नया सफर शुरू करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि परिणीति चोपड़ा ये वही एक्ट्रेस हैं जो कभी साफ तौर पर इस बात को आगे रखा करती थी कि वो किसी राजनेता से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन आज वो एक राजनेता की बीवी के तौर पर काफी गर्व महसूस करती हैं, जो कि उनके चेहरे पर भी नजर आता है। मैं आपको बता दूं कि परिणीति चोपड़ा जो है वो जिस तरीके से अपने अंदाज के लिए जानी जाती हैं, अपनी स्माइल, अपना खुशनुमा, उनका जिस तरीके से रहने का तरीका है, राघव चड्ढा भी आपने अधिकतर देखे होंगे किस तरीके से सदन के अंदर नजर आते हैं, कितनी शांत, एकदम जेंटलमैन पर्सन राघव चड्ढा नजर आते हैं, लेकिन परिणीति चोपड़ा के साथ उनकी केमिस्ट्री अलग ही दिखाई देती है। मैं आपको बता दूं कि कल दोनों की शादी है 24 सितंबर को। ऐसे में एक सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या परिणीति चोपड़ा राघव चड्ढा की शादी में प्रियंका चोपड़ा चार चांद लगाने आएंगी, और इस पर साफ तौर पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। देसी गर्ल क्या देसी तड़का अपनी बहन की शादी में लगाएगी, और साफ तौर पर इंतजार मालती मैरी चोपड़ा का भी है। तो इंतजार है, क्या ये इंतजार वाकई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं आपको बता दूं कि अटकलें लगाई जा रही हैं कि प्रियंका चोपड़ा अपनी बहन की शादी में नहीं आने वाली है। इसका कारण एक ये भी है क्योंकि प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक स्टोरी शेयर की। उस स्टोरी में वो साफ तौर पर एक खूबसूरत मैसेज, एक इमोशनल मैसेज अपनी बहन को देती हुई नजर आ रही थी, जहां उन्होंने लिखा था कि अपने इस खास दिन पर बेहद परिणीति चोपड़ा खुश होंगी, और साफ तौर पर उन्होंने राघव चड्ढा को भी टैग किया था। ऐसे में लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि हो सकता है कि प्रियंका चोपड़ा शादी में नहीं आ रही है, इसलिए पहले से ही उन्होंने ये मैसेज कन्वे कर दिया है। लेकिन आपको बता दें कि इस पर दो बातें सामने आ रही हैं। पहली कि ऐसा कि प्रियंका चोपड़ा शादी में नहीं भी आ सकती है, क्योंकि उनका जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, जो वर्क शेड्यूल है, उसकी वजह से वो शादी में नहीं आ पाएंगी। और दूसरी बड़ी चीज ये भी है कि ये भी आसार लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका चोपड़ा जो है वो अपने घर से रवाना हो चुकी हैं इंडिया आने के लिए, तो हो सकता है कि प्रियंका चोपड़ा अपनी बेटी के साथ अपनी बहन की शादी में जरूर आए। लेकिन आपको बता दें कि एक कंफर्मेशन जो आ रही है कि प्रियंका चोपड़ा अपने हस्बैंड के साथ नहीं आने वाली है, अगर आएंगी भी तो अपनी बेटी के साथ आएंगी, यानी कि परिणीति चोपड़ा अपने जीजू को काफी मिस करने वाली हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि दोनों ही कपल बेहद खूबसूरत हैं, दोनों की शादी की एक्साइटमेंट सभी को है, और आपको जिस तरीके से इस शादी से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सबसे पहली चीज जो देखी जा रही है कि परिणीति चोपड़ा उदास होंगी क्योंकि उनकी बहन साथ नहीं होंगी, लेकिन हो सकता है कि प्रियंका चोपड़ा शादी में शिरकत जरूर करें। इससे जुड़ी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।